सभी को जय हिंद नमो बोलता है। साहब काशीराम के बारे में जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं तो मैं थोड़ी सी बात बताऊंगा कि हमने साहब काशीराम को अगर जाना तो अपनी अम्मा की बातों से जाना है। जैसे सर अभी बता रहे थे तो लग रहा था कि मेरे दादा एक कहानियां सुना रहे हैं और मैं उनके अनुभवों को सुन रहा हूँ। तो वैसे ही मेरे दादा तो बहुत पहले खत्म हो गए थे, तो अम्मा जिसे आप लोग ग्रैंड मदर कहते हैं, ब्रज में अम्मा बोलते हैं, तो हमने अम्मा के माध्यम से साहब काशीराम को सुना है, जाना है। क्योंकि हमारा जो एरिया है राजस्थान का भरतपुर है और हमारी रिश्तेदार में आगरा में है तकरीबन, और साहब काशीराम का एक क्षेत्र आगरा जहाँ वो आते जाते रहा करते थे और अम्मा का भी वहाँ बहुत आना जाना रहता था। वो रविदास पंत से थी, अपने अगर उनके जो परिवार की बात करें तो रविदास पंत से थी और दादा की तरफ से वो कबीर पंथी हो जाते हैं, और इन दोनों के बीच में तीसरे पंथ भगवान बुद्ध को अगर जानने को हमें कहीं मौका मिलता है, ये भगवान सब यूज किया उसका बात बता दूंगा तुम यूज किया, अगर उनको जब जाने का मौका मिला तो साहब काशीराम की बदौलत जो आगरा में बहुत सारी डेयरियां हुआ करती थी तो वहां मैं कभी कभी जाया करती थी। जब भी कभी रिश्तेदारी में गई, कभी मीना बाजार पर रैली हो रही है, कभी आ रहा है किसी और चौराहे में रैली हो रही है, तो बड़ी बड़ी रैलियों में अम्मा भी वहां चली जाया करती थी और उन रैलियों के माध्यम से बहुत सारी चीजें सुन सुन के आती थी और उन चीजों को आके घर में वो बड़ी इंप्लीमेंट करती थी कि मेरे घर में मेरा बेटा भी ऐसे बोले, पोते भी ऐसे बोले, देखो कितना अच्छा बोलता है, उसने तो घर ही छोड़ दिया, वो तो घर ही छोड़ के निकल गया। तो जो साहब काशीराम का एक आम जनमानस पर प्रभाव था वो एक अलग दृश्य हो सकता है कि एक आम इंसान मतलब तो एक ऐसा इंसान जो एकदम इलिटरेट है वो भी साहब काशीराम की बातों को अपने सहजता से ग्रहण करता है, और यही साहब काशीराम की विद्वत्ता थी और उनकी ये पहुंच थी कि जो राजनेता की पहुंच आम इंसान तक बनती है कि कैसे वो जो बातें बता रहे हैं पेन के फॉर्मूले से समझा रहे हैं उस बात को भी कोई सामने वाला समझ जाए और वो उस चीज को अपनी पीढ़ियों को देके जा रहा है कि ऐसा है, ऐसा था, वैसा था। तो ये जो चीजें आती है बड़ी गजब की निकल के आती है और ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक परंपरा से हमारे सामने आ जाती है तो कई बार होता है कि जो परंपरा रोटी में बदल जाए बुरी होती है, परंपराएं हमेशा बुरी नहीं हुआ करती है। तो भगवान बुद्ध से लेकर और अब तक की जो अलग अलग परंपराएं अलग तक चली आ रही है उन सारी परंपराओं के माध्यम से साहब काशीराम तक आज हम पहुंचे हैं और आगे भी अनवरत परंपराएं चल रही हैं और भी आगे चलती रहेंगी। ठीक जैसे कि पाली में बहुत सारी आप चीजें लिख रहे होंगे, धम्म बुद्धम धम्मम संगम ये जो लिखा है और सुधीर सर यूट्यूब पे भी वीडियो वगैरह सर के देखते रहते हैं, मतलब मैं पाली पढ़ के स्कॉलर हो गई, जब भी सर का कोई नया वीडियो आता है मैं खुद उस पर रिसर्च करने लग जाता हूँ। इस तरह से सर उन वीडियोज में चर्चाएं करते हैं, बहुत नई नई चीजें निकाल के लाते हैं। तो आप ये देखिए कि हमारा जो अकेडमिशियन वर्ग है वो साथ बैठा हुआ है काफी सारी चीजों पे और नॉन अकेडमिक बैकग्राउंड के होते हुए भी लोग काम कर रहे हैं उन चीजों पर। एक दो चीज कहूंगा कि विदेशों में भारतीय बौद्धों की जो स्थिति है मतलब एक जो दशा है वो एकदम नेगेटिव पर आ रही है, क्योंकि वहां अभी इस क्षेत्र में कोई भी लोग कुछ सोसाइटी पे काम करते हैं, कुछ सोशल लाइफ सोशल फ्रेंड्स पे लेक्चर दे आते हैं, कुछ और चीजों पर लेक्चर देकर आते हैं, तो बुद्धिज्म को लेके बहुत ही गलत एक हमारा एक रवैया बना हुआ है हमारे प्रति लोगों का। क्योंकि अभी तक बुद्धिज्म पर मैं दो देशों से बड़े बारीकी से जुड़ा हुआ हूँ और दोनों भाषाओं को बारीकी से सीख रहा हूँ, श्रीलंका साउथ में और नॉर्थ में मंगोलिया, मंगोलिया महायान बुद्धिस्ट कंट्री है, श्रीलंका थेरवाद बुद्धिस्ट कंट्री है, दोनों की भाषा को मैंने बारीकी से समझा है, जान रहा हूँ, आती भी है। तो दोनों ही देशों में ना तो बाबा साहब पहुंचे वहां तक, ना ही आपके साहब काशीराम तो बहुत बार में आगे आ रहे, ना ही उनसे कोई परिचित है। अगर वो जानते हैं तो वो बुद्ध और बुद्ध से भी रिलेटेड होते हैं, इसमें भरी जो कहानियां जो महायान की छोड़ी थोड़ी बहुत चीजें हैं। और सबसे बड़ा ताज्जुब होता है कि बुद्ध के बाद अगर वो लोग कहीं वहां जान रहे हैं तो दो तीन तिवारी शर्मा या चतुर्वेदी त्रिवेदी इस तरह के लोग होंगे लेखों के माध्यम से बुद्ध को जानते हैं और वो बुद्ध के बड़े मान्य स्कॉलर वहां बने बैठे हुए हैं। तो ये चीजें बहुत बेहतर गति से यहाँ पर अपना फन फैला रही है और ये हम अकेडमिशियंस की क्योंकि हमारी नई पीढ़ी निकल के आ रही है और बहुजन इंटेलेक्चुअल इनिशिएटिव के द्वारा जो हॉस्टल का कार्य करवाया जा रहा है, हॉस्टल का जो कार्य चल रहा है, ऐसा ही कार्य हमारे भरतपुर में भी सर हम लोग चलाते हैं मिलकर, हम लेकिन फाउंडेशन हम बना रखा है और उसका ट्रस्ट का मैं ट्रस्टी भी हूँ लेकिन फाउंडेशन का, और 250 बच्चों
पाए। प्यार से ही सब कुछ आगे बढ़ता है और चीजें चलती हैं। आज भी चीजें देखते रहते हैं जो साहब का आशीर्वाद का त्याग है। मुझे लगता है अगर बाबा साहब को हम संकल्प के लिए जान रहे हैं कि एक ऐसा व्यक्ति, हर बोधिसत्व की अपनी अपनी एक परंपरा होती है, एक अपना अपना ढांचा स्ट्रक्चर होता है, बाबा साहब एक संकल्प लेते हैं कि मैं ऐसा करूंगा और उस चीज को कर देते हैं, तो साहब का आशीर्वाद भगवान बुद्ध की वापस उस परंपरा को दोहराते हैं जो त्याग की अवधारणा है कि एक ऐसा त्याग और वो त्याग जो घर त्याग करके निकलते, क्योंकि घर जो होता है कहीं ना कहीं कह का कवे संतो जब संदास संत पुनः पुनः भगवान बुद्ध से धम्मपद बोलते हैं, घर बताने वाला मतलब बंधनों का कारण, वो घर को एक बंधन का कारण कहते हैं। जब आप घर में ज्यादा अटैच हो जाते हैं तो सोसाइटी या समाज या अपने ही घर के लिए आप काम नहीं कर पाते, क्योंकि आपका फोकस तीन चार लोगों पर ही सीमित रहता है, कभी बीवी कभी बच्चे कभी भाई कभी बहन, उसके अलावा भी बहुत सारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। साहब काशीराम का जो जीवन है उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज की हमें याद दिलाता है, हमें आगे ले जाता है कि हमें देखना है कि और भी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हमें करना है, समझना है। सर ने एक बात कही थी कि पाली को लेकर थोड़ा सा बोलूं तो पाली भाषा के बारे में, अगर भारत में जो लिखित साक्ष्य मिलना शुरू होता है सबसे पहले तमिल भाषा के मिलते हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पर पाली आती है, प्राकृत आती है, संस्कृत के लेख बहुत बाद में जाके मिलते हैं। दोनों ही भाषाओं को अच्छी तरह से जानता हूँ। संस्कृत तकरीबन 11वीं 12वीं शताब्दी में आके लिखित संस्कृत के साक्ष्य मिलते हैं, प्राकृत भाषा के साक्ष्य दोनों भारत में 4थी या 20वीं शताब्दी ईस्वी तक मिल जाते हैं, पर तमिल की 4थी शताब्दी ईसा पूर्व और पाली की 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व के तकरीबन हमें उल्लेख मिलना शुरू हो जाता है। बट दूसरी चीज ये है कि पाली पूरे भारत में, जिसे हम अखंडित भारत या अविभाजित भारत कह सकते हैं, जो कभी ईरान से लेके वियतनाम, वियतनाम जो चंपा चांपा का है, चंपा नगरी हुआ करता था, ईरान बिंदुसार को दहेज में मिला था उस जमाने में, तो ईरान भी भारत की सीमाओं में आता था, और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का जो इलाका था सब जगह पर, और वो सम्राट अशोक के अभिलेख मिलते हैं और तीन स्क्रिप्ट में मिलते हैं, कहीं ब्राह्मी में मिलते हैं जिसे हम धम्म लिपि बोलते हैं, कहीं अरमाइक में मिलते हैं तो कहीं खरोष्ठी में मिलते हैं। तो पाली भारत की राष्ट्रभाषा रही है, ये नो डाउट कि इसको एक्सेप्ट करना भी चाहिए लोगों को। कुछ लोग षड्यंत्र के तहत स्वीकार नहीं करते हैं, जबरदस्ती थोपे रखना चाहते हैं अपनी चीजें, और इसके लिए वो इतनी थ्योरी भड़ लेते हैं, झूठ की थ्योरी। पूरा भारत का जो भाषा विज्ञान है झूठ कट का हुआ भाषा विज्ञान, इतनी मन घड़ उसमें कहानियां गढ़ी गई, तत्सम लाए तत्व लाए देश लाए विदेश लाए, केवल ये प्रूफ करने के लिए कि हर चीज इस भाषा से निकली है, केवल और केवल एक चीज को प्रूफ करने के लिए उन्होंने पूरा पूरा भाषा शास्त्र के सिद्धांत कर डाले और सत्य को छुपाने के लिए। अगर ये सत्य थोड़ा सा स्वीकार करने लायक है कि अगर पाली से सारी भाषाएं निकली हुई है या पाली का उन भाषाओं पर प्रभाव अगर इतना कह देते तो आपको इतना मिथ्या प्रपंच करने की जरूरत नहीं पड़ती। और वैसे भी उनका दर्शन माया का दर्शन है, वेदांत का दर्शन ही माया पर टिका हुआ है, और हमारा जो दर्शन है दुख मुक्ति का दर्शन है, जो सामान्य जन व्यवहार का दर्शन है। निके साथ धन्यवाद, जय हिंद। नमो